कोरोना वायरस से महाराष्ट्र का बुरा हाल है और मुंबई में इसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा मामले अगर किसी शहर में है तो मुंबई शहर में ही है। अब तक 30,000 से ज़्यादा केस मुंबई में सामने आ चुके हैं। फिल्म स्टार्स पर भी इसका असर पड़ा है। एक्टर किरण कुमार ने 24 मई को बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है और घर पर ही क्वारंटाइन में है। अब खबर करण जौहर के घर से आई है। 25 मई की रात को करण जौहर ने बताया कि उनके घर में काम करने वाले दो लोग कोरोना पॉजिटिव है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने ट्विटर पर एक नोट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे घर के स्टाफ के दो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही उनमें लक्षण दिखाई दिए उन्हें बिल्डिंग के एक हिस्से में क्वारंटाइन किया गया। बीएमसी को फौरन खबर दी गई। इसके बाद नियमों के तहत बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया गया। परिवार में बाकी लोग और स्टाफ ठीक है, किसी में कोई लक्षण नहीं है। हम सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन फिर भी हम औरों की सुरक्षा के लिए 14 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। दूसरों की सुरक्षा का हमें ध्यान है। प्रशासन की ओर से जो भी सलाह दी गई है उनका पालन किया जाएगा। उन्होंने आगे लिखा है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि पॉजिटिव पाए गए जो स्टाफ है उनको बेस्ट इलाज मिले। कोरोना बीमारी के दौरान उनका सही से ध्यान रखा जाएगा। हमें उम्मीद है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। ये मुश्किल समय है, लेकिन घर पर रहकर और बचाव के तरीके अपनाकर हम इस वायरस से दूर रह सकते हैं और इस वायरस को हरा सकते हैं। अब जब फिल्म स्टार्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दें, सोनू सूद इस समय प्रवासी मजदूरों की सेवा में ही जी जान से जुटे हुए हैं और उनके इसी सराहनीय काम ने उन्हें आम लोगों की नज़र में सुपर हीरो बना दिया है। महाराष्ट्र में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाने की उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है और अपने इस काम को वो बखूबी निभा रहे हैं। घर लौटने का महीनों से इंतज़ार कर रहे इन लाचार लोगों के लिए केवल बसों का ही इंतज़ाम नहीं कर रहे सोनू सूद, बल्कि रास्ते में उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जिनके लिए वो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए वो किसी भगवान से कम नहीं। ट्विटर पर एक शख्स ने उन्हें टैग करते हुए कहा है कि बिहार के सीवान ज़िले में उनकी मूर्ति बनाने की तैयारी चल रही है। सोनू सूद इस वक्त अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। दरअसल जो लोग वापस घर लौटने के लिए बेचैन हैं वो ट्वीट के जरिए भी उनसे संपर्क साध रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।